होम्स किचन आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बटर पनीर मसाला। इसके लिए जो सामग्री हम लोगों को चाहिए चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप पनीर ले लें और पनीर को ऐसे स्क्वायर टुकड़ों पे काट लें। मैंने करीब 200 ग्राम पनीर लिया हुआ है। 7 से 8 टमाटर आप ऐसे छोटे छोटे टुकड़े पे काट के रख लें। आपको इसके लिए चाहिए होगा बटर, कुछ लहसुन की कलियाँ, प्याज बारीक छोटा छोटा पतला पतला टुकड़े में काट लेंगे, काजू चाहिए होगा, ड्राई मसाले में आपको नमक हल्दी और धनिया पाउडर, कसूरी मेथी और 2-3 तेज पत्ते, कुछ जो सूखी लाल मिर्च होती है वो और हल्का सा जीरा तड़के के लिए बस। सबसे पहले कढ़ाई बिठा लेंगे और इसमें आप थोड़ा सा बटर डालेंगे और इसमें डाल देंगे जो आपके सूखी लाल मिर्चें हैं। और जो जीरा है जो काजू आपने रखा हुआ था वो काजू, इसको हम लोग हल्का सा बटर में भून लेंगे। इसके लिए आप जब भी पनीर बटर मसाला बना रहे हैं तो हमेशा कोशिश करिएगा इसको बटर में ही बनाने का, तेल का यूज ना करें तो ही अच्छा है। जैसे ये हल्का सा कलर चेंज करने लगेगा तो इसमें हम लोग डालेंगे जो हम लोगों ने लहसुन की कलियाँ रखा हुआ था उसमें से कुछ लहसुन की कलियाँ, करीब 7 से 8। मिर्ची का प्रयोग उतना ही करें जितने के आप तीखा पसंद करते हैं, क्योंकि पनीर बटर मसाला जो है वो थोड़ा सा हल्का मीठापन हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी अच्छी नहीं होती है। तो मिर्ची आप उसी हिसाब से डालें जितना आपको तीखा चाहिए। इसके बाद आप इसमें ऐड कर लें जो हम लोगों ने प्याज रखा हुआ था वो, इसको भी हल्का सा भून लेंगे। जब प्याज नरम पड़ने लगेगा तो उस समय हम लोगों ने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। बीच बीच में इसको चलाते जरूर रहिए। आप देखिए अब जो प्याज है वो कलर चेंज करने लगा है ना। इसी स्टेज पे हम लोग जो टमाटर काट के रखे हुए थे वो टमाटर ऐड करेंगे। आपके टमाटर आप उतना ऐड करें जितना कि आपको ग्रेवी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना ग्रेवी आपको चाहिए, क्योंकि यही आपके सब्जी की बेस है। तो ग्रेवी के लिए आप उसी हिसाब से टमाटर का यूज़ करें। अब इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए हल्का सा नमक डाल के इसको पकने के लिए छोड़ेंगे, जब तक टमाटर अच्छे से नरम नहीं हो पड़ जाता। और इसको ढक लेते हैं। आप देख सकते हैं प्याज और टमाटर दोनों ही बहुत अच्छे से पक चुकी है, अच्छा नरम पड़ गया है और बहुत ही खूबसूरत एक एरोमा रिलीज हो रही है इसमें से। अब हम लोग इसको बंद कर देंगे गैस को और इसको ठंडा होने देंगे। जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाए तो उसके बाद हम लोग इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में पीस के। आप देख सकते हैं हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसको अच्छे से पीस के ऐसा महीन पेस्ट बना लिया है। अब हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। इसके लिए कढ़ाई बिठा ले और आगे कुछ बटर, बटर पिघलने का वेट बिल्कुल ना करें, तेज पत्ता डालें और मिला लें। फिर
क्योंकि बटर बहुत जल्दी उग जाता है, तो इसी के लिए बहुत ज़्यादा समय ना ले। अब इसमें डाल दें आप धनिया पाउडर जो है आपका, वो साथ में थोड़ा सा हल्दी और नमक, नमक एज पर योर रिक्वायरमेंट एज पर योर टेस्ट। अब इसको अच्छे से मिला लें, थोड़ा सा हल्का सा ही मसाला आपका भुनेगा, जैसे ही धनिया थोड़ा सा भुन जाएगा तो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे जो हम लोगों ने रखा हुआ था पेस्ट बना के, वो देखिए हल्का सा धनिया भुना गया है। अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे जो पेस्ट हम लोगों ने बना के रखा था, वो जो बचा हुआ आपका पेस्ट था मैं उसका भी पूरा यूज कर लूंगी। इसको थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के इसको धो के इसको भी आप यूज कर लें, वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसको अच्छे से मिला लें और इसको, ये जो मसाला है इसको अच्छे से कुक होने के लिए रखें और थोड़े थोड़े बीच में इसको चलाते रहें, क्योंकि इसका ग्रेवी का कलर ऐसा है ना, आपको पता नहीं चल पाता कि आपकी जो मसाले हैं वो अच्छे से कुक हुए हैं कि नहीं, तो आपको अच्छा टेस्ट नहीं आएगा अगर ये मसाला अच्छे से कुक नहीं होगा तो इसीलिए कंटिन्यूस आप इसका ऐसे हिलाते हुए आप इसको कुक करें। थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होने लगेगा तो आप समझ जाइएगा कि आपका मसाला अच्छे से कुक हो गया। ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा हल्का सा थोड़े देर कुक करने के बाद टेस्ट करके भी देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। ये कसूरी मेथी आप हाथ से ऐसे क्रश करके फिर डालें, इससे इसका फ्लेवर जो है वो पूरी तरह से बाहर अच्छे से निखर के आता है, और मिला दें। फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए फिर पकाएं। आप देख सकते हैं ग्रेवी काफ़ी थिकी है तो मैं थोड़ा सा पानी का यूज़ करूँगी इसको हल्का सा पतला करने के लिए। आप अपने हिसाब से ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पनीर डालने के बाद ये ग्रेवी और थोड़ा सा थिकी हो जाएगी। पानी डालने के बाद मैं यहाँ पर अब आपको बताना चाहूँगी, इस जगह पे आप थोड़ा सा शक्कर का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा मीठापन ज़रूरी होता है। मैं शक्कर के बदले एक चम्मच कंडेंस मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसके बदले आप चाहें तो शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से खोला लेंगे, इससे क्रीमी टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और बटर पनीर मसाले का स्वाद जो है वो भी बहुत बढ़िया आता है। अब मैं इसमें पनीर के क्यूब्स जो मैंने काट के रखे थे वो सब ऐड कर दूंगी। कुछ लोग इसको फ्राई करके भी डालते हैं, अगर आप चाहें पनीर जो क्यूब्स है उसको हल्का सा फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे ही पसंद है इसीलिए मैं इसको रॉ देना ही पसंद करती हूँ। थोड़ा सा और खोला के इसको आप उतार लें और सर्व करें, चावल पराठा रोटी जिसके साथ भी आप खाना चाहें। आप देख सकते हैं मैंने इनको निकाल लिया है, आप भी इस तरह से निकाल के ऊपर से ऐसे फ्रेश क्रीम थोड़ा सा डालें और सर्व करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। जो नए व्यूअर्स है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।